आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है, और आज मैं कृतिका ने कक्षा 9वीं B की छात्र आप सबके समक्ष एक हिंदी भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं यह विषय तो भारत का हर एक बच्चा जानता है, परंतु आज भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है और यह भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इसी वर्ष सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून राज स्थापित करने के लिए भारत सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतंत्र सरकार प्रणाली द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अंत में कहना चाहती हूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं पूरा विश्व इस वक्त महामारी से ग्रसित है, लेकिन फिर भी हम इस स्थिति में माउंट लिट्रा के इस प्रांगण में ध्वज तले खड़े हैं और झंडे को सलामी दे रहे हैं। यह कम गर्व और खुशी की बात नहीं है। चाहे कोई भी संकट हो, हमें इस संकट से लड़ना चाहिए और अपने ध्वज और देश की गरिमा को बचाए रखना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं आज के दिन 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी को बीटीजिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस का समापन होता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।